तन जो बन जग ठगिया, लब लोभ अहंकार, मोहठ गौली हो मुई, सावरत संसार। गुरु प्यारियो, मेरा सतगुरु नानक चैनल सब्सक्राइब कर लियो ते वीडियो नू शेयर करियो, लाइक ते कमेंट भी जरूर करया करो। संगत जी, जो आज कुछ बेनतियां आपां सांझियां करन लगे आ, गुरमुखो थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, बस मैं समय दे दायरे विच रह के बेनतियां सांझियां करूँगा। औरतां सिर दे वाल वाहुण तो पहला ये जाप जरूर कर लियो, फिर देखना चमत्कार। ते आओ कुछ बेनतियां सांझियां करिए। फतेह बुलाओ जी, आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख प्यारियो, बीबियां अपने वाल बौंदियां ने और वाल हर रोज़ बौने चाहिए, चाहे कोई वीर होवे भैन होवे। देखो भाई नंद लाल जी ने रहत नामिया विच किया है, कंगा दोनों वक्त कर पाग चुन कर बांधी। दोनों वक्त केसा विच कंगा करना है, सुबह ते आथणे ते पग नूं चंगी तरह बनना आ, भाव कि चंगी तरह दस्तार नूं सजाउणा। ये ना होवे ढिली मिली जी दस्तार होवे ते कोई लड़ किधर नूं कोई किधर नूं, भाव कि दस्तार एक शान है, दस्तार नाल तेरी शान है, दस्तार एक तेरा वखरा ताज है दुनिया तो। गुरमुखो इदां मैं बेनती करनी आ, बीबिया ने अपने वाल बाहुने आ ना, जदों केसा नूं बाहुणा है ते ये चीज़ नूं याद रखना है, कंगा दोनों वक्त कर पाग चुन कर बांधी। देखो कई बीबियां दस्तार सजाउंदियां ने, केसकी सजाउंदियां ने, बहुत चंगी गल है, अच्छी गल है, पर जिहड़ियां नहीं सजाउंदियां बीबियां कोई गल नहीं। पर याद रखना है, दोनों वक्त कंघा करके केसा नूं सवारना है। केसा नूं क्यों सवारना है? क्योंकि केस गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी मोर ने, ये केस गुरु दे ने, अपने नहीं, ये केस गुरु दे ने। अज वो गल वक्री है कि केसा नूं किस तरीके नाल ट्रीट किया जाता है, केसा नूं किमें किमें की कुछ लाया जाता है। ब्यूटी पार्लरां विच ते बीबियां हेयर कट बनाउंदियां ते बहुत कुछ चलता है, वालां दा स्ट्रेट कराए जाते हैं, वाल होर वगैरह वगैरह, तो चंगे भले लमेरे लम्मे वाला नू, चंगे भलिया पता नहीं कट के वढ़ के वाला का की वो झाफा जा बीबियां तैयार करवा लेंदियां। वो सिस्टम जिहड़ा अजकल अज दे फैशनेबल दौर दे विच चल रहा है, चंगा भला वधिया सादा साडा जमाना सी, पर अज फैशन ने फैशन दे पिछे लग के अपनी सूरत नूं, अपनी सुरत नूं गवा रहा है, अपनी सूरत नूं गवा रहा है। परमात्मा वल्लों दित्ती हुई ये बख्शिश इहनूं बंदा किवें रोलदा पिया है? हजे कहिंदे जी दुनिया ते कलयुग आऊगा, कलयुग आऊगा नहीं, इहो ही कलयुग है। कलयुग ये नहीं कि उहदे बड़े बड़े दंद लगे होणगे जी, उहदा डरावना रूप होगा, उहदे वड्डे वड्डे वाल होणगे, नहीं नहीं नहीं, कलयुग इदां किसी बंदे दे रूप विच नहीं आउणा, उहने भी कोई राक्षस बन के आऊगा, इहो ही कलयुग आ जो इहो जिहियां गल्लां चलदियां ने। फैशलेबल तरीके विच आ के असी गुरु नूं भुल जाणा, गुरु दीआं बख्शिशां नूं भुल जाणा। गुरमुखो ये सब तो वड्डी साडी भुल आ, सब तो वड्डी। खैर मैं बेनती करदे आ कि अज जमाने पिछे लग के असी असल बख्शिश नूं खोंदे जा रहे हां, असल बख्शिश नूं। बीबिया ने भैणा ने जदों भी केसा नूं बाउणा, अज ते ना मैं इत्थों तक मैं संसार विच वेखे है, बीबियां अपने बच्चियां दे वाल आप कटदियां ने, अपने बच्चियां दे जूड़े रखण तों कतराउंदियां ने। जूड़ा रुलिया ते ऊड़ा अपने आप रुल गया। जे ये गल झूठ है तां दस्सिओ मैनूं, क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंटड इस गल ते। बीबियां कहिंदियां बच्चियां दे केस संभालने औखे ने, बच्चियां दे ते छड्डो, बीबियां कहिंदियां साडे अपने केस संभालने औखे ने, होर की संभालांगे असीं, की संभाल सकते हैं? सरदारी असी नहीं संभाल सके, बच्चों के जूड़े असी नहीं संभाल सके, अपने वालों केसा असी नहीं संभाल सके,
सिखी ते असी संभालनी की होई। असी देश प्रति जुम्मियां, समाज प्रति जुम्मेवारियां असी नहीं संभाल सकते और घर दियां जुम्मेवारियां असी नहीं संभाल सकते। घर दे विच बिरध माँ प्यो नूं असी नहीं संभाल सकते। कट्ठे परिवार दे विच असी नहीं रह सकते। होर करांगे की करांगे, की करांगे इहो जी तरक्की नूं जिहदे विच खुशियां ही ना होण। खैर, बहुत कुछ मैं बयान कर सकदा पर इत्थे समा मैनूं इजाजत नहीं दिंदा। मैं समें दे दायरे विच ही रह के गल करनी है। गुरमुखो, मैं एक साफ साफ गल कह दिया, बीबियां अपने बच्चियां दे जूड़े नहीं रखाउंदियां, आप कटाउंदियां ने ते बाद विच ओही बच्चा फिर कुसंगत विच पै जांदा है। फिर असी सारे पछताउंदे आ वी आ की हो गया जी, आ की कर बैठे, आ की बन गया जी। गुरमुखो, इहदे विच सब तो वड्डा दोष साडा अपना है। इहदे विच सब तो वड्डी जिहड़ी साडी अपनी गलती है। असी किते ना किते खुद बच्चियां नूं कुराहे पैण ते कुसंगत विच पैण ते असी आप जुम्मेवार। बीबियां कहिंदियां बच्चे दे केस धोणे औखे लगदे आ जी, चल जा आ चक पैसे जां जूड़ा कटाया फाहा वड्या परे, इदां बोलदियां ने। दसो, धी दे वाल संभालने औखे ने। कहिंदे लै तूं इदां कर, तूं हेयर कट ही पवा ला, छड़ दे सारा कुछ। गुत करनी औखी लगती है, अपनी गुत करनी, कहिंदे जी अपनी गुत गुंदनी औखी लगती है। वाला नूं डाई कराती, स्ट्रेट कराते, वाल कट दिते, पोनियां करा लिया, गल्लां ही निबड़ गईयां सारियां। चलो, वैसे हुण कई कहिंदे भाई जी इहनां गल्लां नाल कोई फर्क नहीं पैंदा जी, कोई नहीं समझदा जी, कोई कहिंदा जी तुहानूं की। मैं कहना सानूं ते कुछ नहीं, तुसी कुछ भी करो, पर जो असली गल है ना, सच नूं छुपाउण वाला सब तो वड्डा गद्दार हुंदा है। ऊड़े ते जूड़े दे असी देणदार नहीं बणांगे, असी सिक्खी दे देणदार नहीं बणांगे, असी ते कुकरां गुरु घर दे इदां ही बोलदे रहांगे। साडा फर्ज है होका देना, जे कोई मन लेगा ते चंगी गल है, जे कोई नहीं मन्नेगा ते उहदी मर्जी है, अपने आप लुट्टिया ते उह है ही। चौकीदार हुंदे सी ना पहला पिंडां विच, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਸੀ ਲੋਕ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਬੋਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਆ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਓ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭੁੱਖ ਫੋਕੀਆਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਭੁਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਔਰਤਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਬੱਲੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਫੁਲਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜਮ ਹੈ ਰਾਜਾਨ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਸੰਭਾਲੋ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਰੋ,
ते अपने आप नू संभालो, अपने घर वाले अपने घर दे मैंबरां दे उपर आपां ये चीज़ां लागू करिए, फिर गल बनेगी। जे सचमुच गुरु नानक दे घर दीआं खुशियां लैणियां ने गुरमुखो, नहीं तो फिर सतनाम वाहगुरु आ फिर नहीं कुछ हो सकता। मेरा बोलिया कईआं नू कौड़ा लगदा, कौड़ा किन्हां नू लगदा जो आप काणे ने, ते जिन्हां नू चंगा लगदा जिन्हां नू सच सुनन दी आदत है वह कहिंदे ने ठीक है, जिहड़े सच तो भगौड़े ने उन्हां नू इह बातां बुरियां लगदियां ने। खैर विशा हुंदा समझण दे लई, समझाउण दे लई, किसी दे उपर ला के किसी नू तंग करन दा नहीं हुंदा। इस करके जो समझ गए वापस परत आओ, जो नहीं समझे एक दिन समा तुहानूं शीशा विखाएगा, तो उस समय का विखाया होया शीशा फिर बड़ा तंग करदा है। इस गल नू याद रखियो गुरमुखो, याद रखियो। इन्हां को बेनतियां प्रवान करनियां जी, मेरा सतगुरु नानक चैनल सबसक्राइब कर लियो, अगे भी करवा दियो, वीडियो शेयर करियो, ये सच्चाई हर तक पहुँचनी चाहिए है। सतगुरु मेरा करन फतेह, बुलाओ जी आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।